सच का पहरेदार। डोईवाला में कल से हो रही लगातार बारिश की वजह से धान की कटी कटाई फसल को भारी नुकसान हुआ है, जिसके बाद पीड़ित किसानों ने शासन प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। डोईवाला इलाके के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं और इस समय धान की फसल की कटाई की जा रही है, लेकिन कल सुबह से हो रही लगातार बारिश से किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है, क्योंकि कटी हुई धान की फसल बारिश में भीगने की वजह से काली पड़ती जा रही है और धान से निकलने वाले चावल भी पूरी तरह से टूट गया है, जिसका बाजार में किसानों को उचित दाम नहीं मिल पाएगा। किसान नेता उमेद बोरा ने कहा कि मौसम विभाग द्वारा पहले से ही बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई थी, बावजूद इसके शासन प्रशासन द्वारा आमजन को इसकी सूचना नहीं दी गई। अगर समय रहते बारिश की सूचना किसानों तक पहुंच जाती तो किसान अपने धान की फसल को भीगने से बचा सकता था। हम मांग करते हैं कि पहले भी हम लोगों ने जब बारिश चली थी, इसमें जो आंधी चलेगी, तूफान चलेगा, गन्ने को भी नुकसान है। साथ ही साथ हमारा जो राजस्व विभाग है, कृषि विभाग है, हमने पहले भी मांग की कि इसमें हमें मुआवजा मिले। मात्र 2000 में सरकार 2000 में आय दुगनी की बात तो करती है, सर्वे करा कर इसको केवल मात्र 1000 रुपये बांट दिए जाते हैं, और इसको हमने पहले भी दिया था कि इसमें मुआवजा मिले, लेकिन मुआवजा अभी तक किसानों के घर तक कोई नहीं पहुंचा। हम सरकार से मांग करते हैं किसानों को उचित मुआवजा जाए और क्षेत्र का भ्रमण कर उसका आकलन कर लें। वहीं उन्होंने तहसील प्रशासन से भीगी हुई फसलों का आकलन कर उचित मुआवजा दिए जाने की भी मांग की है। डोईवाला से आशीष यादव, पब्लिक न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जिम्मेदार